आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड ना हमारे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया द स्पेरिकल सर्फेस ऑफ अ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस कम्स इन टू कॉन्टेक्ट विद अ ग्लास प्लेट मतलब हमारे पास क्या है एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका जो स्पेरिकल सर्फेस है मतलब ये वाला सर्फेस दैट इज इन कॉन्टेक्ट विथ अ ग्लास प्लेट ठीक है द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब इसके बीच में जो है कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया गया है ठीक है द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ लेंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लेट आर लेंस का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट फाइव कार्बन डाइऑक्साइड का जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.63 एंड ग्लास प्लेट का क्या है 1.7 ठीक है इन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस इज इक्वल टू r is equal to 100 सेंटीमीटर मतलब ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 100 सेंटीमीटर हमें क्या बोला गया डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द फिफ्थ डार्क न्यूटन रिंग इन द रिफ्लेक्टेड लाइट विथ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोमीटर तो हमारा रेडियस ऑफ द फिफ्थ न्यूटन रिंग का निकालना है ठीक है तो हमें पता है कि इस केस में जो हमारा पाद डिफरेंस होता है वो क्या होगा square, जो है रेडियस ऑफ द न्यूटन रिंग अपॉन वन अपॉन ठीक है? दिस इज़ द वैल्यू बट ये कब होता है जब हमारा इधर एयर होता है अगर कोई दूसरा मीडियम होगा एयर होता है मतलब क्या इधर 1 दिस है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाइड है अभी इसमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n2 व्हिच इज इक्वल टू 1.63 तो क्या होगा दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद 1.63 ठीक है और हमें क्या निकालने बोले डार्क फ्रिंज डार्क फ्रिंज का कंडीशन क्या होगा इस केस में डार्क फ्रिंज का कंडीशन विल बी k 1/2 λ मतलब odd multiples of ठीक है तो इस केस में क्या डार्क फ्रिंज बोला गया वैल्यू फाइव डाल देते तो क्या होगा अपॉन टू लैमडा इज इक्वल टू दिस थिंग आर स्क्वायर इन टू वन पॉइंट सिक्स थ्री अपॉन कैपिटल आर तो इससे हमें जो है रेडियस मिल जाएगा तो पहले आर इज क्या होगा 11 लैम्डा अपॉन 2 न्यूमरेटर में आ गया आर और डिनोमिनेटर में चला गया 1.63 ठीक है तो इससे हमें रेडियस मिल जाएगा विच विल बी रूट अंडर दिस होल टर्म 11 लैम्डा आर अपॉन 2 1.63 तो लैम्डा का वैल्यू कितना गिवन है लैम्डा का वैल्यू इज 0.5 और क्या है ये माइक्रोमीटर मतलब 10 टू द पावर -6 तो ये मीटर में आ जाएगा एंड रेडियस इज हाउ मच हंड्रेड सेंटीमीटर हंड्रेड सेंटीमीटर मतलब क्या वन मीटर ठीक है अपॉन टू इंटून सिक्स थ्री ठीक है तो इससे रेडियस ऑफ द न्यूटन स्ट्रिंग क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है टू मीटर्स तो बेटर है हम लोग इसको मिलीमीटर में लिखे ये क्या होगा मिलीमीटर सो दिस इज द रेडियस ऑफ द फिफ्थ न्यूटन रिंग फॉर्म्ड इन दिस केस क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ आरोप